हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। दक्षु को जा रही थी स्कूल छोड़ने और मैं आज थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ ये वाले कपड़े पहन के, क्योंकि कल मैम ने मुझे ना बोला था कि आपको मॉर्निंग टाइम में ज़रूर आना है बच्चे को छोड़ने जब आओगे, क्योंकि मदर्स डे के लिए मेरी कोई वीडियो वगैरह शूट करनी है मैम ने, दक्षु के साथ कुछ होगा इनके स्कूल का, तो इसीलिए मैम ने आज कंपलसरी मुझे बुलाया। वैसे तो मैं जाती ही हूँ उसको छोड़ के, बट आज मैंने सोचा कि चलो अगर मैम ने इस चीज़ के लिए बुलाया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेडी हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा रेडी हो गई थी। और बस अभी चल रहे हैं, दक्षु और दक्षु के पापा नीचे पहुँच गए हैं। मैं भी सुबह सुबह ना ज़्यादा मतलब व्लॉग शूट कर नहीं पाती मैं, या तो शूट करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है मुझे, जिस दिन सोचूं कि आज व्लॉग शूट करना है, और जब टाइम टू टाइम हम लोग रेडी होते हैं तो फिर मैं व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाती। बस अभी एक मिनट का टाइम था मेरे पास, एक दो मिनट का, तो मैंने सोचा कि चलो इतनी सी अपडेट आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ और देखते हैं क्या रहता है, कैसे मैम वीडियो वगैरह शूट करती है। मुझे पता नहीं किस चीज़ की मतलब किस टाइप की वीडियो बनानी है, बस इतना पता है कि मदर्स डे के लिए बनानी है। तो चलिए चलते हैं, अगर वहाँ पर कोशिश हुई वीडियो शूट कर पाई तो करूँगी। दक्षु के पापा साथ ही होंगे तो ये शूट कर देंगे मेरा व्लॉग। चलिए गाइस चलते हैं, और मैंने ना पोनी कर ली थी ऐसे। चलिए बस अभी दक्षु के स्कूल आ गए हैं, और ये जो आप पूरा हॉल देख रहे हो ये असेंबली हॉल है यहाँ का, और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से छोटे वाले गेट से मैम रिसीव करती है अंदर क्लासरूम में लेके जाने के लिए। तो अभी सब बच्चों को ना यहाँ पे बिठाया जाता है, जब सभी पेरेंट्स सब बच्चों को छोड़ जाते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग फिर बच्चों को यहाँ से मैम लाइन्स बना के फिर अंदर स्कूल में लेके जाती हैं क्लासरूम में। सो अभी ये पूरा असेंबली हॉल देख सकते हो आप, ये छोटे बच्चों की फंक्शंस एंड सेलिब्रेशन के लिए रखा हुआ है, कुछ कुछ गेम्स वगैरह होती हैं तो इन चीज़ों के लिए। तो आज ये इंद्रजीत डॉली आई है वहाँ पे मदर्स डे के शूट पे, इसको बुलाया गया स्पेशल स्कूल में। मदर्स डे तो अभी दूर है बट इसको बुलाया गया है ताकि ये एक हल्का सा, मेरे को लगता है स्कूल वालों ने कुछ बनाना होगा कोई शूट हल्का सा उसको लेके, जो वो अपने पेज पे डालेंगे। तो जी अभी आ गए हैं हम शूट के लिए। सो यहाँ पे ये जो हॉल नज़र आ रहा है आपको, ये दक्षु के स्कूल का असेंबली हॉल है, छोटे बच्चों का, प्री प्राइमरी और प्री स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जो उनका असेंबली हॉल है। जैसे यहाँ पे गेम्स वगैरह बच्चों को खिलाई जाती हैं और कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं ऐसा है। सो यहाँ पे अलग अलग पोज में छोटी छोटी सी मैम ने 2-3 क्लिप ली थी और फोटोज़ वगैरह क्लिक की थी मेरी और दक्षु की। मदर्स डे का आप पीछे देख सकते हो, छोटा सा डेकोरेशन कर रखी है, और यहाँ पे मेरे कैमरामैन बने हुए थे दक्षु के पापा। सो वो आपने देख ही लिया होगा पीछे, थोड़ी सी कमेंट्री भी की आज उन्होंने। सो बस इसके बाद फिर ग्राउंड में चले गए थे, स्कूल का जो मेन ग्राउंड है, काफ़ी 2 ग्राउंड एक्चुअली इनके स्कूल के, बहुत बड़ा स्कूल है इसका अंदर से, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अंदर से आके देखा। सो बस अभी ग्राउंड में जाके थोड़ा सा वहाँ पे मैम क्लिप वगैरह शूट करेंगी, देन उसके बाद फिर अंदर का शूट करने के लिए अलाउ नहीं किया था मैम ने। मुझे बस अभी दक्षु को छोड़ के आए हैं, अभी नहीं मतलब हो गई है काफ़ी देर, अब तो उसका 1 घंटा रह गया वापिस आने में भी। सो आके बस थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया, ब्रेकफास्ट वगैरह, और अभी घर किचन का काम वगैरह थोड़ा सा निपटाया, बर्तन वर्तन सब वॉश किए हैं, बस अभी झाड़ू वगैरह लगाना रह गया है, वो लगाऊंगी।
मैट वगैरह क्लीन करना है, तो इतने फिर दक्षु का वापस से लेने जाने का टाइम हो जाएगा। दक्षु के पापा तो निकल जाएंगे, मुझे बाहर थोड़ा सा यहाँ तक छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर मैं दक्षु को स्कूल से लेके आते वक्त फिर मैं रिक्शा में आ जाती हूँ। मैं और दक्षु ये चले जाते हैं अपने काम पे। सो बस अभी अपने घर के काम निपटाने लगी थी, दो तीन हैं छोटे छोटे, मैंने सोचा चलो फटाफट से कर देती हूँ। सुबह सुबह ना मतलब जल्दी उठने की वजह इतना एक कॉन्शियस सा रहता है मूड मेरा ना, कि नींद सी आ रही है, अजीब सा रहता है तो, लेकिन फिर नींद प्रॉपरली आती भी नहीं है जब सोने लगो तो। और दक्षु आएगा उसके साथ ही थोड़ी देर लेट जाऊंगी, अभी फ़िलहाल अपना सारा काम वाम निपटा देती हूँ। और सुबह शूट किया था मदर्स डे के लिए मैम ने, और कोई मदर्स वगैरह तो आई नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्पेशली मुझे ही बोला गया था, मेरा और दक्षु का शूट था। सो दो तीन शूट लिए उन्होंने, एक तो चेयर पे बिठा के, और आपने देखा ही होगा पीछे क्लिप में मैंने दक्षु के पापा को फ़ोन दे दिया था कि व्लॉग शूट कर देना मेरा, उसमें पोस्ट करूँगी। और एक ग्राउंड में जाके वहाँ पे फिर इनको एंट्री नहीं मिली, दक्षु के पापा को एंट्री मिली नहीं, मैम ने बोला कि आप इधर ही वेट कीजिए बाहर। सो मैं और दक्षु ही गए थे, फिर अंदर का शूट वगैरह करके आई थी। चलिए गाइस चलते हैं, अभी काम वाम करूँ उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। और ये लेके आए थे दक्षु के पापा सत्तू का आटा, सत्तू का या जौ का पता नहीं कौन सा, ये वाला पैकेट। सो इसका ना मतलब वो बना के अभी पिया हमने, शक्कर वगैरह डाल के जूस ठंडाई जैसे बनाते हैं वो कुछ बना के पिलाया इन्होंने शक्कर वगैरह डाल के, तो अच्छा लगा। वो इसकी तासीर जो होती है ना ठंडी होती है, तो गर्मी की जैसे जिसको शिकायत होती है तो गर्मियों के दिनों में वो पी सकता है इसको, बहुत ठंडा होता है सत्तू तो आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया है, मुझे अच्छा लगा। और इस मतलब इसका हम ज़रूरी नहीं कि हम ठंडाई बना के पीनी है, इसका कुछ भी बना सकते हैं, सत्तू के आटे की काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो शक्कर वगैरह डाल के इसके ना छोटे छोटे पैनकेक्स वगैरह भी बन जाते हैं नॉन स्टिक तवे के ऊपर, दक्षु को बना के खिलाऊंगी, उसको पसंद आएंगे। सो अभी इसको ना मैं सोच रही थी कि पैकेट ऐसे इधर उधर फिर ख़राब सा हो जाता है, ये मेरे पास एक साफ कंटेनर था इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ इसको। इसमें कुछ सफेद बाल भी हैं जो पापा की दाढ़ी के हैं। गाइस ये सिर्फ पापा की दाढ़ी के भी नहीं है, मेरे भी हो सकते हैं। इन्होंने घिस घिस के मेरा ये हाल कर दिया है कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मैं आगे इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि मैं आगे नहीं आ पा रहा। कौन सी अवस्था में हो? क्योंकि ये देखो मैं इस ऐसे हूँ इसलिए मैं आगे नहीं आ पा रहा। गेस करो ये क्या है? इनके नहीं है, आपके तो छोटे छोटे हैं, पापा की दाढ़ी के लंबे लंबे बाल थे। पूरे कपड़ों में तो हो, क्यों नहीं आ पा रही आगे? सिर नहीं ढका, हाँ ये बात है।
तो बस दक्षु के स्कूल जाने के बाद यही सब मॉर्निंग का रूटीन रहता है मेरा, यही काम रहते हैं। सो बस अभी क्लीनिंग वगैरह करके, नहाना तो मेरा सुबह ही हो गया था, तो हाथ मुँह धो के चेंज वगैरह करके जाऊंगी दक्षु के पापा के साथ लेने उसको स्कूल से, क्योंकि उसका भी टाइम हो जाता है जब तक घर का काम ख़त्म होता है, और वो हस्बैंड फिर काम पे चले जाएंगे, जाते जाते मुझे ड्रॉप कर देते हैं जब इनका रूट दक्षु के स्कूल की साइड से जाने का होता है, अदरवाइज़ ये दूसरे रूट से जाते हैं कभी कभी, तो इनके काम के अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें। तो फिर मैं अपना रिक्शा मतलब आराम से पकड़ के अपना निकल जाती हूँ खुद ही इसको लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह चल रही है, पूरे घर में झाड़ू पोछा जब तक ना लग जाए अच्छे से तब तक तसल्ली नहीं होती। सो मॉर्निंग के बस यही सारे रूटीन रहते हैं। सो ये घर के बाहर का एरिया है, मेरे फ्लैट के बाहर का एरिया, सो शू रैक वगैरह जहाँ पे लगा हुआ है मेरा। सो बस बाहर से भी मैट वगैरह अच्छे से झाड़ के क्लीन कर दूँगी। अभी अभी तो खैर हमारी जो अंदर क्लीनिंग के लिए आती है ना मेड आती है, तो वो सब बाहर का क्लीन करके जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, बस अपने घर के आगे आगे का कर देती हूँ, और बाकी तो फिर हमारी मेड जो है क्लीनिंग मेड वही करने आती है, तो वही करती है सारा बाहर का, रेलिंग वगैरह सब क्लीन करती है, स्टेयर्स क्लीन करती है, और ऊपर हमारा इन्वर्टर एरिया जहाँ पे है वहाँ पे सारी क्लीनिंग करती है। मतलब हमारी बिल्डिंग वालों ने, हम सब ने मतलब मिल के सब उसको लगा रखा है, तो बाहर का वही सारा एरिया क्लीन करती है, तो मुझे बस घर घर के अंदर की क्लीनिंग करनी होती है। और फिर भी अपना मैट वगैरह है, शू रैक है, शूज़ वगैरह पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे तो डेली करना ही पड़ता है खुद से, चाहे वो आए चाहे ना आए। सो क्योंकि झाड़ू लगा के हम बाहर ही सारा अपना कूड़ा वगैरह तो बाहर ही निकालते हैं, इसीलिए तो बाहर तो क्लीनिंग करना बनता है। सो बस इसी तरीके से मेरे ये सारे काम रहते हैं। बस उसके बाद फिर दक्षु का टाइम हो जाता है स्कूल से लाने का, तो फिर उसको लेने जाऊंगी। पूरे 12 बज चुके हैं और सुबह मैं एक्चुअली रेडी होके गई थी दक्षु के स्कूल जब शूट के लिए, तो मैंने ना ये यूज़ किया था अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए, तो मैं सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही रख के चली गई थी, तो अभी इसको मैं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी से अगर हम इन चीज़ों को बचाएंगे ना तो ये लॉन्ग टाइम चलती है, डस्ट तो सब जगह ही होती है। तो इसको मैं ऐसे पैक करके रख देती हूँ, एक तो इसकी सेफ्टी के लिए सिक्योर रहता है और धूल मिट्टी नहीं जाती फिर इसके अंदर। रेडी होते हैं। चलिए गाइस अभी हाथ मुंह धो के रेडी हो जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँ, फिर जाना है दक्षु को स्कूल लेने। दक्षु के पापा भी बस अभी निकल जाएंगे, जाते जाते ये मुझे ड्रॉप कर देंगे, और फिर आते हुए मैं और दक्षु आएंगे रिक्शा से। पूरे करेक्ट 12 बज चुके हैं, 12 बज के 2 मिनट हो गए। कपड़े नहीं अभी पहने हैं, पहनो निक्कर बनाने में अच्छा चलो फिर पहनो कपड़े, रेडी हो जाओ, 12:15 बजे निकल जाएंगे। अच्छा 2 नंबर ऑफिस, अभी इनको ऑफिस जाना है, उसका वेट कर रहे हैं ये ऑफिस में जो इनको मिलने वाला है, मिलने वाली है ये उसका वेट कर रहे हैं जो ऑफिस में इनको मिलने वाली है। ऑफिस जाना है? हाँ तो जाओ ऑफिस, मिलने वाली है ना ऑफिस में वो आपको 2 नंबर ऑफिस इनका। चलिए गाइस अभी रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे, और फिर चलते हैं दक्षु को स्कूल से लेने। दक्षु आ गया स्कूल से, मम्मा लेके आई है दक्षु को स्कूल से। हम हैं दोनों लिफ्ट में, चलो लाइट ऑफ फैन ऑफ। चाबी दक्षु इतने ड्रामे यार तेरे। शॉप्स
दक्षु। सो गाइस अभी घर पे पहुंच चुके हैं हम, मैं और दक्षु। पापा तो चले गए हैं अपने काम पे ऑफिस, और मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, कपड़े चेंज भी नहीं करने का मन कर रहा, ऐसे मन कर रहा बस फटाफट से खाना खा लूं। सो राइस एंड कढ़ी पड़ी थी कल जो बनाई थी, बड़ी फटाफट से मैंने कर ली है गरम, और वो खाऊंगी अब मैं, भूख लग रही है बहुत तेज। और दक्षु अपना लंच डेली फिनिश करके नहीं आता, अभी इसने आके, अब इसको भूख लग रही थी, अब इसने वही लंच खा लिया अपना वापस से। तो मैं तो भैया भूख के मारे अब हाल ख़राब हो रहा है, मैं फटाफट से खाना खा रही हूँ। अब दक्षु के कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए मैंने, ये वाली लोअर नहीं पहननी दक्षु, ये गर्म है, गर्मी लगेगी फिर मैं एसी नहीं चलाऊंगी। चलो ठीक है फिर रहने दो, नहीं मान रहे मम्मा की बात। गाइस देखो दक्षु मम्मा की बात भी नहीं मान रहा, ये वाली नहीं वो ब्लू वाली पड़ी है उधर, वो पहनो, नहीं तो मैं एसी नहीं चलाऊंगी, ऐसे ही सोना पड़ेगा फिर आपको। ब्लू वाली पड़ी है ना, ग्रीन टी शर्ट है। तो पूरे घर में अभी अंधेरा ही पड़ा हुआ है, ये टी शर्ट के साथ वाली इसको रिमूव करो, चलो इसको हटाओ, खोल दो इसको, खोल दो ये वाली पहनो, इसमें गर्मी नहीं लगती। उल्लू, उल्लू।